घर क्या, हर प्रतिष्ठान, हर विद्यालय, जो भी भवन है जहाँ पर भी लोग रहते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ पर एक बार तिरंगा फहराने की एक मुहिम चला रही है। और ये जन भागीदारी से होना, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, हम केवल एक तरह से लोगों को जोड़ने के सूत्रधार का काम कर रहे हैं। इसमें हमने अपने नगर के जो जितने हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, हमारी माननीय नगर अध्यक्षा महोदय हैं, और अन्य जगह के भी जो ईओज और नगर अध्यक्ष महोदयों को बुलाया गया था, हमारे जो प्रधान संघ के लोगों हैं उनको बुलाया गया था, हर ब्लॉक के यहाँ पर आए थे, हमारे जनपद के जो लीडिंग एनजीओज हैं, जो हमारे पत्रकार संगठन हैं, हमारे उद्योग व्यापार संगठन हैं, सबको इनवाइट किया, क्योंकि ये एक बहुआयामी और हर प्रकार के लोगों को लेकर के कार्यक्रम होना है। झंडे कुछ हमारे जो स्वयं सहायता समूह एनजीओज हैं, हमारे एसएचजी हैं, वो भी बना रही हैं, पर जो उनकी क्षमता के अनुसार और बाकी मार्केट में भी उपलब्ध हो रहे हैं। एक स्टैंडर्ड साइज आज दिखाया गया है, हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक रूप से अपने अपने आवास के लिए क्रय भी किया है, और हमारे जो बड़े संगठन वाले हैं उन्होंने इस आशा के साथ हमने क्रय करवाया है कि उनको देख करके बाकी लोग भी तत्काल अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे या जहाँ से भी फ्लैग मंगवाएंगे। और जब हमारा ये अभियान चलेगा तो सभी पूरे शान से, पूरे एक गर्व के साथ अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पे तिरंगा ध्वज लहराएंगे। 75वीं वर्षगांठ जो आज़ादी के, उसको आत्मसात करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। क्या सर इसके पहले भी कोई निकाला जाएगा? बस अब लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी हमारे अभी जैसे काफ़ी लोगों ने कहा कि वो अपने अपने संगठनों में जागरूकता करेंगे, साथ ही हमारे जो शहर के विभिन्न प्रकार के हमारे जो विज्ञापन के स्थल होते हैं, हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उस पर भी चलाया जाएगा, होर्डिंग बैनर वगैरह भी लगाए जाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ, व्हाट्सएप से, कि आजकल सबसे अच्छा माध्यम व्हाट्सएप है, तो तिरंगा गीत जो है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वो भेजा जाएगा, फ्लैग कोड में क्या है, आपको किस तरह से झंडा लगाना है, उसकी वो भेजी जाएगी, और इसी प्रकार से जागरूकता का कार्य किया जाएगा। तो इसके लिए सर जनपद वासियों से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरी यही अपील है कि यह जैसे आज हमारे मीटिंग में हमारे लोगों ने कहा भी लोग कि ऐसा मौका कम आता है, कम लोगों के जीवन में आता है कि इस प्रकार से कोई विशेष वर्षगांठ हम मना रहे। 75वीं जयंती एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की, उसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा।